आज का जो वीडियो वो एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके 3 बम्बू अच्छे है, उसका एक 14 बम्बू टूटा हुआ है, पर मेरे को बीच नहीं मिला अभी। कैसे यहाँ पे बीच नहीं है, सिर्फ पानी है। आई वंडर यहाँ पे बीच कहाँ पे होगा। आई होप जिनेवा में बीच है, गूगल पे तो बताया, तभी तो मैं यहाँ पे आया। आई सी द बीच, थिंक वी फाउंड इट। आई थिंक यहाँ पे कहीं पर भी बीच नहीं है। बहुत टेस्टी है। तो आज के दिन की जो लास्ट थॉट है वो ये है, हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी आग ऐसी इसलिए दिख रही है क्योंकि बस में सो गया था अभी मैं। वो तो अच्छा है कि बस का लास्ट स्टॉप था, तो सही जगह पे लास्ट स्टॉप था, वहीं पे उतरना था। आज मेरा सेकेंड डे है यहाँ पे, सो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और यूरोप में 5वां दिन है। तो आज के दिन में कुछ ज़्यादा मैं उछलता पुछलता नहीं करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू अ बीच। आज का जो वीडियो वो एक एक्सपेरिमेंट है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस कैमरा के साथ, इंस्टा 360 X3। इट्स नॉट द न्यूएस्ट मॉडल, सबसे नया वाला नहीं है, एक वर्जन पुराना है। तो मैं एक्सपेरिमेंट ये कर रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ यही कैमरा यूज़ करूँ व्लॉग करने के लिए, तो क्या ये कैपेबल है, क्या इसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी है, क्या इसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी है। तो आज का पूरा वीडियो जो है मैं इसी पे शूट करूंगा, बी रोल से लेकर एवरीथिंग, एंड लेट्स सी ये कैसा होता है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी रही ना, तो फिर आई डोंट थिंक मुझे दूसरे कैमरा कैरी करने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि वैसे मैं दो कैमरा यूज़ करता हूं यार, और बहुत सारे फुटेज हो जाते हैं, तो उसको एडिटिंग में ना बहुत दिमाग खराब हो जाता है, और उसकी वजह से ना बहुत स्लो हो जाता हूँ मैं। जितनी भी ट्रिप गया हूँ ना, दो दो तीन दिन कैमरा लेके जाता हूँ, फिल्म तो बहुत सारा कर लेता हूँ, फिर उसको एडिटिंग के लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो आई एम थिंकिंग कि ये बार सिर्फ एक कैमरा अगर मैं यूज़ करूँ, इंस्टा 360, जो सारे एंगल भी लाइक रिकॉर्ड कर लेता है ऑटोमेटिकली, तो क्यों ना इसको एक चांस देके दे। बीच पे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट में बोलता तो तुम यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है। यूनाइटेड नेशंस अगर तुमको नहीं पता है तो वो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी को किसी ना किसी को जवाब देना रहता है। तो हमारे देश के जो लीडर होते हैं उनको भी किसी ना किसी को तो जवाब देना होता है ना। तो यूनाइटेड नेशन जो जगह है जहाँ पे सारे दुनिया के लीडर्स जवाब देते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, बट सब एक दूसरे के बॉस है, ऐसा समझते चलो। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी देश में, सारे देश के लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या उसके बारे में कर सकते हैं। सो दैट्स बेसिकली यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का जो मेन हेडक्वार्टर है वो मेरे राइट साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुनिया के हर एक देश का झंडा लगा हुआ है, बिकॉज हर दुनिया के लीडर को यहाँ पे मीटिंग होती है जो भी उनकी, उसके लिए आना जरूर पड़ता है, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पे सब लोग जो जो भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होती है दुनिया की, वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स और मोर्चा करने वाले, सोशल इशूज पर बात करने वाले अगेंस्ट और फॉर रहते ही है। यहाँ पे एक चेयर भी है अगर देखो तो, उसके 3 बम्बू अच्छे हैं, उसका एक 14 बम्बू टूटा हुआ है। आई थिंक दैट रिप्रेजेंट्स, आई डोंट नो, समथिंग यूनिटी, पीस। आई थिंक पीस प्रॉब्ली, बिकॉज यूनाइटेड नेशन इज ऑल अबाउट पीस। यूनाइटेड नेशन की जो बिल्डिंग है वहाँ से बीच के तरफ अगर हम जाएंगे तो बीच में एक पार्क आता है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ जिनेवा। ये सिर्फ पार्क नहीं आती है, इट्स मोर लाइक अ कंजर्वेटरी, इज दैट द राइट टर्म, आई थिंक लाइक झाड़ों का, लेट्स कॉल इट पार्क यार, पता नहीं मेरी इंग्लिश खराब हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही, अलग अलग तरीके की, मैंने सारी आवाज़ का पहले कभी सुनी नहीं है, तो मुझे लगा कि तुम लोगों को मैं बता दूँ कि अगर कभी तुम लोग आए जिनेवा स्विट्जरलैंड, तो डू चेक आउट दिस पार्क, लुक एट दिस ट्री इन फ्रंट ऑफ मी, जायंट है। तो नाम मिल गया, ये है उस गार्डन का, पार्क का मैप, और ये उसका नाम कंजर्वेटरी एंड बोटानिकल गार्डन ऑफ द सिटी ऑफ जिनेवा। आई वाज राइट, इट्स अ कंजर्वेटरी। वेल बीच पे तो आ गया मैं, पर इट डजंट फील लाइक अ बीच, बिकॉज यहाँ पे सैंड तो आई नहीं, सिर्फ वाटर है। आई थिंक फर्दर अहेड जाना पड़ेगा, एटलीस्ट पानी तक तो आ गया, प्यासा पानी तक आ गया, ये बस हो गया। व्यू देखो क्या मजेदार, ब्यूटीफुल है जिनेवा, ब्यूटीफुल है स्विट्जरलैंड, मस्त है बहुत कुछ, पर मेरे को बीच नहीं मिला अभी। कैसे यहाँ पे बीच नहीं है, सिर्फ पानी है। बीच इज एक्चुअली अ प्लेस जहाँ पे सैंड होता है, यहाँ पे सैंड नहीं है, घास है। घास का क्या करूँगा मैं, दौड़ा हो गया, कोना दिख रहा है,
वहाँ से चल के यहाँ तक आया, बीच ही नहीं है, यहाँ पे भी बीच नहीं। आई वंडर यहाँ पे बीच कहाँ पे होगा। ये जा रहा है सर्फिंग के लिए, सर्फिंग के लिए। वाह, इट वाज अ बमर, वो बीच नहीं था। अभी फिर से दूसरी जगह जा रहा हूँ, बाहर निकल के यहाँ से स्ट्रेट जाने का अबाउट 7 मिनट्स मोर वॉकिंग एंड होपफुली बीच वहाँ पे आ जाए। आई होप जिनेवा में बीच है, गूगल पे तो बताया, तभी तो मैं यहाँ पे आया। तो वहाँ से अभी चल के मैं यहाँ पे आया हूँ। आई सी द बीच, वेट अ मिनट, आई सी द बीच, आई थिंक इट्स दिस वे। मुझे लगा इस तरफ है बिकॉज यहाँ पे लोग है, बट आई थिंक इट्स दिस वे। आई सॉ सम साइन, आई गेस, थिंक वी फाउंड इट। आई थिंक मिल गया, मुझे को बीच हुआ मिल गया। रियली वांटेड टू गो टू द बीच टुडे, पता नहीं क्यों। This is the best I found so far. I think यहाँ पे कहीं पर भी बीच नहीं है। I don't think so. Geneva has beach. यही है उनके पास हर जगह पे, सिर्फ बंदरगाह। I'm still gonna walk, थोड़ा बहुत आगे जाके देखता हूँ, शायद उम्मीद से मिल जाए कुछ। शायद बदक फाइट, मार। बीच का तो पता नहीं, पर यहाँ पे पूरा पिकनिक स्पॉट है। Oh my God. बच्चे बच्चे पार्टी, ये वो सब हो रही है। ये सही है यार, भूख लग गई और मेरे को देख के। देखो सब खाना वाना बना रहे, कुछ ही क्या मेरे को भी मिलेगा क्या, लेकिन अड्डा भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जितना जल्दी यहाँ से निकल जाओ उतना ही अच्छा रहेगा, मेरे को उतना भूख लगती रहेगी मेरे को। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। Nice and beautiful, huh? I love Geneva. Must vibe hai. Ekdam breezy hai. Pani thanda hoga isliye I don't think so main andar jaane wala hu. तो मेरे को यहाँ के खाने का कुछ नाम पता नहीं है, तो मैं काउंटर पे जाके नाम पूछा। अच्छा दिख रहा है खाना सब, लेट्स सी क्या है। आई मीन यहाँ पे आया हो तो कुछ तो लोकल, टूरिस्टिक और लोकल दोनों ट्राई तो करना ही पड़ेगा। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस प्लेस, तो इसलिए यहाँ पे खाने आया हूँ। आई होप इट्स गोना बी गुड। ऑलराइट, सो खाने में ये लिया है, अब नो क्लू इसका नाम क्या है। बड़ा अच्छा दिख रहा था, ऑलमोस्ट सबको यही ऑर्डर करा था, तो यही ऑर्डर किया मैंने भी। इसमें चिकन है, राइस है, ब्रेड है, एग प्लांट है, सैलड है, कुछ कुछ उम्बर टाइप है, हमस है एंड मोर सैलड। आई होप इट्स गुड, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और इसका डिस्काउंट इंडिया ड्रिंक भी है। टोटल इसका पूरा 19-19 यहाँ का जो यूरो जो भी है 19 यूरो यहाँ का लगा। बहुत टेस्टी है। हम तो ये बॉफ़ी के जाता हूँ पूरा। वहाँ देने चाहिए ये कॉफ़ी ऐसे। सो एक मिनट पहला अब भी मैं मेरी ठंडी नहीं हुई थी, कोई मेरे को शौक नहीं था ठंडे ठंडे पानी में जाने का। बढ़िया जो कैमरा जिसमें फिल्म कर रहा हूँ वह छूट के मेरे हाथ से नीचे गिर गया था, ठीक है। मुझे ये फिल्म कर रहा था, यहाँ का जो व्यू है बहुत मस्त जगह है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, डांस देखते हैं और ब्यूटीफुल वेदर को एंजॉय करते हैं। अब
ये सही जगह है, यहाँ पे है कम हवा एंड पे। तो पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में बात किया था जब हम लोग वहां पे थे, वहां पे एक वाटर फाउंटेन है जो अभी बंद है। वो क्या चिल्ला रहे। या सो ये जो पिलर है ऊपर देख लो, ये पिलर इट लुक्स लाइक अ लाइट हाउस, अ स्मॉलर टाइनी टीनी लाइट हाउस। और आज के दिन की जो लास्ट थॉट है वो ये है कि जिनेवा सोफार मेरे हिसाब से बहुत लेड बैक टाइप का एनवायरनमेंट है, बहुत लेड बैक टाइप का प्लेस है जहाँ पे सब कोई सिर्फ आराम से बैठे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, मतलब ज्यादा रश नहीं है कहीं पे किसी को जाने की। जैसे लाइक फ्रांस पेरिस में सब कुछ बहुत फास्ट था, यहाँ पे सब कुछ बहुत स्लो है। इट्स लाइक अ लेक टाउन, यू नो, बीच में बड़ा सा लेक है एंड हर कोई बस लेक के पास लेटा हुआ है और मजे कर रहा है। और क्या, यहाँ से ये बोट जाती है माउंट ब्लांक बोल के। इंशाल्लाह कल अगर टाइम रहा तो जाऊंगा, देखते हैं टाइम कितना है, उस हिसाब से आई विल डिसाइड। तो यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ती जा रही है और तुम लोगों को पता है मेरी पैकिंग कितनी ज्यादा है, और अभी मैं चड्डी बनियान भी हूँ, मतलब हाफ हाफ से भी दोनों तरफ से। तो इस ठंडी को दिमाग में रखते हुए, अपने शरीर को थोड़ा बचाते हुए, मुझे इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो आई कैन डू एनी मोर एंड आई होप तुम लोग को मजा आया ये वीडियो देखते। अगर एंजॉय किया इस वीडियो को तो गिव इट अ थम्स अप एंड नए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड स्टे कनेक्टेड। और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, सो आई विल सी यू अगेन विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। अंटिल देन माय लवली पीपल, एज ऑलवेज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, बट डोंट फॉरगेट, stay happy. Just.